बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फोर्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे आज। एंड सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चंस हैं वो इन सर्कल करने हैं। एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं है, बट ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि एक इक्वेशन है, अगर वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वो पूछ रहे हैं वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। ए और बी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो एक्स हमारे पास वेरिएबल है, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? तो ये लीनियर इक्वेशन है जिसकी जो पावर है वो वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू उसको प्रूव किया जाता है? तो वो हमारे पास सॉल्यूशन है, मतलब कि हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो हो या कोई भी वैल्यू हो तो उसको प्रूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फॉर ईच नंबर ऑफ एक्स एक्स की हर नंबर के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर वैल्यू जो वो एब्सोल्यूट होगा इज डिनोटेड बाई, उसको किससे डिनोट किया जाता है? मॉड एक्स से। द साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू स्टैंड फॉर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, द सिंबल लेस देन इक्वल टू। हमें ये तो आपको पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि अभी कौन सा साइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन है, ये आपने खुद करना है। द सोल्यूशन ऑफ किसी भी वैल्यू का अगर हमारे पास सोल्यूशन फाइंड करना है, वो उसके इक्वल है किसी कांस्टेंट के इक्वल है, तो उसको जब मॉड ओपन करेंगे तो माइनस प्लस के इक्वल आएगा, ठीक है, वही वैल्यू। सॉल्यूशन ऑफ दिस वो आपने खुद फाइंड करना है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है, और आपने मंथली टेस्ट भी मैंने आपको फोर्थ चैप्टर ही दिया है, क्योंकि ये मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है, बहुत इजी काम है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो दो ही एक्सरसाइज हैं, तो पहला टेस्ट है इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट दिया है, अदरवाइज़ मैं आपको सेकेंड चैप्टर देने वाली थी जो कि बहुत लेंथी है, बट ये आपका फर्स्ट टेस्ट है, दैट्स वाई मैंने आपको चैप्टर नंबर फोर दिया है, ताकि आप बड़े अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली ये पढ़ाया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बेटा, पेपर की बड़ी अच्छे से तैयारी करनी है और होप सो अच्छा रिज़ल्ट देंगे आप। अल्लाह हाफिज़।